वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत है? अदील बात कर रहा हूँ जी। और तबीयत ठीक ठाक है? कार सारी खैर जी। बिलाल भाई गर्मी बड़ी वध गई जी, थी लेना अपने कमरे चलवाना सी जी। तो मैं TCL ब्रांड सुनी के बहुत अच्छी जा रही है, कैसी हो? सही है जी उन्होंने एसी? अच्छा जी जी, और मिरिकल सीरीज जड़ा है जी। तो चलो बिलाल भाई फिर वो घल दियो यार, ते नाल कोई अच्छा जहा बंदा घलना जे जड़ा इंस्टॉल कर दे। हाँ चलो हूँ ही घल दियो फिर, है मैं वेट कर रहा तुहाडा। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जी मेरा नया TCL का मेडिकल सीरीज में 18T3B डेढ़ टन का, ये आज ही मैंने परचेज किया और इसे मैं लगाऊंगा अपने कमरे में। इस वक्त गर्मी जो है पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है, अभी जून के आखिरी हफ्ते चल रहे हैं, 3-4 माह अभी मजीद गर्मी हमारे मुल्क में रहेगी, तो इसलिए मैंने ये खरीदा है। मेरे पास पहले भी काफी एसी लगे हुए हैं, मेरे पास चैन रूबा का इन्वर्टर एसी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, वो भी हमारे पास। इसके अलावा ग्री का एसी है, वो स्प्लिट है, इसके बाद मिस्टोबिशी मिस्टर स्ट्रीम लगा हुआ है, वो भी बेहतरीन चल रहा है, सबसे बेहतर है उसकी कूलिंग का, और एक ओरिएंट है। तो आज जो मैंने नया खरीदा है वो डेढ़ टन TCL में खरीदा जी। ये नई कंपनी मार्केट में, ये पिछले साल इन्होंने LCDs लॉन्च की थी पाकिस्तान के अंदर और इस दफा इन्होंने अपने AC लॉन्च किए हैं। ये इनके दो हैं, एक एलीट सीरीज है और एक मेडिकल सीरीज है। ये मेडिकल जो है इनकी सबसे बेहतर सीरीज है जो पाकिस्तान में ये AC दे रहे हैं। पहले मेडिकल में मॉडल आ रहा था 18T3G, अभी वो इन्होंने खत्म कर दिया, तो अभी आया 18T3B, तो जो जी सीरीज है वो इन्होंने खत्म कर दिया, अभी ये इंट्रोड्यूस करवाई है। तो मैंने यही खरीदा 18T3B। चले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ में लगाते हैं, जिसे बंदे भी आए हुए हैं वो काम करेंगे अपना, इसे सारा लगाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। आप इंडोर के यूनिट को हम खोल रहे हैं जी, और ये आपको अंदर एक बहुत बड़ा इंडोर यूनिट देखने को मिल जाता है। ये आपको साइज में लगेगा जैसे 2 टन का AC है। अब इसके साथ हमें ये तारे कुछ देखने को मिल जाती हैं, ये इंडोर आउटडोर यूनिट को आपस में जोड़ती हैं। इसके अलावा ये रिमोट है, प्लास्टिक में है जी, और इसके ऊपर TCL की ब्रांडिंग लिखी हुई है जी। इसके अलावा इसके अंदर ये बुकलेट्स हैं जी, ये जरूर पढ़नी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये से पढ़िएगा जी। इसके अलावा इसके अंदर ये पेच वगैरह मिलते हैं जो इसके साथ कनेक्ट करते हैं जिसे। इसके अलावा ये बुश है, अगर आप आउटडोर यूनिट को ज़मीन पर रख रहे हैं तो वाइब्रेशन पैदा ना हो तो ये लगाते हैं। इसके अलावा जो हमें जी सेल मिल जाते हैं इसके अंदर, ये रिमोट के सेल हैं। ये AC हमारा लग गया, अभी इसकी वायरिंग का मसला है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला। बाकी आप साहब ने लगाया जी, आप साहब जबरदस्त है जी। और साथ में ये भाई हैं जी, ले जी मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा मेरा TCL का जो मेडिकल सीरीज का AC है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसका जो इंडोर यूनिट है वो बहुत बड़ा है आम एसी की निस्बत, ये लगता है जैसे 2 से 2.5 टन का AC लगा हुआ है आपके कमरे में। तो इसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ जो इसे खरीदने का मकसद था, 3-4 खूबीज हैं इसके अंदर। एक तो
ये बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आपको T3 कंप्रेसर देता है। T3 कंप्रेसर क्या है? T3 कंप्रेसर के अगर आप आम जो पुराने AC थे जो T1 और T2 टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे थे, वो जब भी टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता था तो वो ट्रिप कर जाते थे, और जब तक कंप्रेसर ठंडा नहीं होता था ये चलते नहीं थे। अब इसमें ये है कि अगर आपका टेम्परेचर 50 से अबव भी चला जाता है तो ये बंद नहीं होगा, बहुत स्मूथली ये रन करता रहेगा। ये है T3 टेक्नोलॉजी। अब और इसके अंदर दूसरा जो फीचर है वो है कि ये 4D एयर फ्लो है इसके अंदर, यानी कि अप डाउन ये करता है और लेफ्ट राइट ये थ्रू अपनी देता है, जो हवा की थ्रू है वो भी इसके अंदर है जी, यानी कि आपको चारों तरफ 360 डिग्री में इसकी हवा देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी जो थ्रो है फैन की वो बहुत जबरदस्त है और नॉइस भी इसकी बहुत ही ज्यादा काम है। उसके अलावा जो इसका आउटडोर यूनिट है वो बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, इसका आउटडोर यूनिट भी बड़ा है, इसका इंडोर यूनिट भी बड़ा है। और इसमें जो सबसे बेहतर चीज मुझे नजर आई थी वो ये है कि ये सारे का सारा कॉपर के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर अगर आप इसे सामने से खोल कर देखेंगे वो जो जो इसकी ग्रिल के अंदर सारी चीजें हैं वो आपको कॉपर की नजर आएंगी, वो प्योर कॉपर इन्होंने यूज किया। इन्होंने अपने आउटडोर यूनिट के अंदर भी सारा कॉपर का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया है, टर्बो ऑप्शन दिया है। आप टर्बो के ऊपर इसे लगा दें तो ये टेम्परेचर जो रूम का जो आपने सेट किया होगा वो सारे का सारा कवर कर लेगा 15 से 20 मिनट के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जी कूल एंड हीट का सिस्टम है, गर्मियों के अंदर आप इसे ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं और सर्दियों में आप इसे एज अ हीटर यूज कर सकते हैं, यानी कि कूल एंड हीट का सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो इसका कंप्रेसर है, जब आप इसे नॉर्मल मोड के ऊपर आकर चलाते हैं तो ये 7 से 8 एम्पीयर पर स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट में जब आप एसी स्टार्ट करते हैं तो ये 1 घंटे के अंदर 1.5 यूनिट इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे ये चलता जाता है तो ये आफ्टर 1 आवर और 1.5 आवर ये करता है 1 यूनिट पर घंटा लेना शुरू कर देता है। यानी कि अगर आप इसे 8 घंटे चलाते हैं रात के अंदर तो ये क्या करता है कि ये आपके 9 से 10 यूनिट कंज्यूम करता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जिससे आप इससे अपने कम यूनिट में इसका पूरा मजा एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक चीज है जी, इन्होंने अम्पेयर जो है एक जेन मोड है रिमोट के अंदर, ये जेन मोड है रिमोट के अंदर, ये बहुत ही जबरदस्त इन्होंने फीचर दिया है इसके अंदर। इससे क्या होता है कि इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। ये जेन मोड का ये है कि आप इसके जो अम्पेयर हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, एक है ये जेन को आप एक दफा प्रेस करेंगे तो ये L3 पर जाएगा। L3 का मतलब ये है कि ये आपको 6 एम्पेयर से ज्यादा नहीं अब ये कंज्यूम करेगा, यानी कि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि 6 एम्पेयर ही लेगा, इससे ज्यादा एम्पेयर नहीं लेगा। उसके बाद इसके अंदर L2 ऑप्शन है, इसी को ही आप दोबारा प्रेस करेंगे जेन मोड को तो L2 ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। वो L2 ऑप्शन का क्या मतलब है कि ये आपको 4 एम्पेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि आपका जो सिस्टम है आप 16 टेम्परेचर रूम का सेट करते हैं, 18 करते हैं, 20 करते हैं, 22, 24, 26 जो भी रखते हैं आपको, ये आपके 4 एम्पेयर से ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा एसी। इसके बाद तीसरी इसकी ऑप्शन है, इसी आप जेन को दोबारा आप प्रेस करते हैं तीसरी दफा तो ये आपको लेकर चला जाएगा L1 की ऑप्शन पे। L1 की ऑप्शन का मतलब है कि इसके अंदर आप 3 एम्पेयर पर अपने यूनिट को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि 3 एम्पेयर से ये ज्यादा एम्पेयर ना ले। तो ये क्या करेगा, 3 एम्पेयर के अंदर ही ये अपने आप को रखेगा और उसी के अंदर आपको चलाएगा। और ये मैं इसे नॉर्मली अब यूज करता हूँ 3 एम्पेयर के ऊपर ही रख के, तो L1 यूज करता हूँ मैं तो ये मेरा सारी रात चलता है, 9 घंटे में से यूज करता हूँ और ये 4.5 से 5 यूनिट लेता है, यानी कि ये बाकी 3 एम्पेयर से स्टार्ट होगा और आधे घंटे के बाद 20 से आधे घंटे तक या 1.25 घंटा भी किसी टाइम ले लेता है, तो ये उसके बाद 1.8, 1.5, 1.3 एम्पेयर पर भी मैंने इसे आते देखा कि ये आ जाता है और उसी पर चलता रहता है। तो इससे आपको अगर 9 घंटे आप एसी यूज करते हैं, क्योंकि मैं 9 घंटे यूज कर रहा हूँ रात को, तो 9 घंटे आप एसी यूज करते हो तो ये आपके 4.5 से 5 यूनिट लेता है। और इसकी एक और बहुत मजेदार चीज है कि इससे आप जेन मोड को इस्तेमाल करते हुए
आप इसे यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं, आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर इसे चला सकते हैं और आप इसे अपने जनरेटर पर भी चला सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास जनरेटर है जो 1000 वॉट बिजली देता है या आपके पास सोलर है जो 1000 वॉट तक देता है बैटरी, तो आप उसके ऊपर इसे इजीली L1 के ऊपर रख के यानी कि 3 एम्पियर के ऊपर रख कर इसे आप चला सकते हैं और बहुत अच्छी ये कूलिंग देगा। अगर इसे आप 3 के ऊपर यानी कि 6 एम्पियर पर चलाते हैं तो इसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बहुत बेहतर होगी जो L1 है, क्योंकि अगर मैं आम जबान में समझाऊं आपको, A6 के ऊपर ये 1.5 टन के ऊपर होता है, A4 के ऊपर ये आ जाता है 1 टन का AC बन जाता है 1 टन का, और जब ये बनता है L1 यानी कि A3 लेता है तो ये 0.25 टन का AC बन जाता है, यानी कि जो एक आपका 0.25 टन का AC है उतनी ये बिजली कंज्यूम करता है। और आप मेरा जो रूम है ये 12x14 का है और इसके अंदर 6x8 की ड्रेसिंग भी है, साथ में वॉशरूम जो अटैच है, वॉशरूम के बिल्कुल सामने 6x8 की इसके अंदर ड्रेसिंग है और 14x12 का कमरा है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी इसके अंदर ये मुझे दे रहा हूँ। मैं टॉप फ्लोर के ऊपर यानी कि 2nd फ्लोर के ऊपर रह रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर बाकी सारे रह रहे हैं, उधर AC लगे हुए हैं जो पहले काम करते थे। ये हमने पहला AC मैंने अपने रूम में लगवाया जो 2nd फ्लोर पर है, तो उसके ऊपर इसकी 11 फुट इसकी छत की हाइट है, 12x14 कमरे का साइज है और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी ये कूलिंग दे रहा है। स्पेशली रात के टाइम तो इसे मैं L1 के ऊपर रखकर चलाता हूँ, दोपहर में किसी टाइम होता है कि मुझे इसे L2 पर यानी कि A4 पर रखकर मैं चलाता हूँ तो तब भी बहुत माशाल्लाह जबरदस्त कूलिंग देता है। और ये एम्पेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अभी एम्पेयर मीटर नहीं है क्योंकि मैंने किसी का लाया था उससे मैंने चेक किया था, तो ये वाकई ही अगर आप इसे 3 एम्पेयर पर, अगर आप इसे फुल यानी कि जैन मोड बंद करके चला रहे हैं, 4 एम्पेयर तक आता है मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाता और ये एक घंटे की 1 यूनिट लेता है। लेकिन ये जो आपको बताते हैं जी, ये आधे 1.5 एम्पेयर पर चला जाता है यानी कि 1.3 एम्पेयर तक जाता है, ये होता है वो सारा कुछ जाता है, ये ठीक बात है, लेकिन वो 3A पर यानी कि 3 एम्पेयर पर इसे सेट कर देंगे तो फिर ये जाएगा। इसके अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है कि जो इसके अंदर वायर्स वगैरह लगी हुई हैं, ये फायर प्रूफ बॉक्स भी है जी, इसके इसे आग नहीं लगेगी, इसके अंदर जो वायरिंग सिस्टम जो चीजें लगी हुई हैं वो जलेगा नहीं बिल्कुल ये, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर फिर इसके अलावा फीचर है कि ये ऑटो क्लीनिंग है, यानी कि जो जैसे हायर AC के अंदर आ रहा था कि ये अपने आप ही साफ करता है, इसी तरह इसी के अंदर भी ऑटो क्लीनिंग है, वो इसके अंदर फीचर है। आपकी AC के जो फिल्टर हैं वो गंदे हो चुके होंगे तो इसके ऊपर एरर आना शुरू हो जाएगा CL का, तो वो उस एरर से पता चल जाएगा कि इसकी जो फिल्टर हैं वो गंदे हो गए हैं, तो वो आप वो निकाल कर साफ कर लें। इसके अलावा इसके अंदर IC और ISET की ऑप्शन है, जैसे कि अगर किसी कॉर्नर के अंदर हवा नहीं पहुंच रही तो आपने रिमोट से IC और ISET की ऑप्शन ऑन करके एक साइड पर बैठ जाना, जिस जगह पर आप रिमोट होना आपके पास जरूरी है, तो फिर ये पूरी कोशिश करेगा कि उस कॉर्नर तक भी मैं हवा को लेकर जाऊं। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन है कि अगर आपके आउटडोर यूनिट या इंडोर यूनिट कहीं से भी गैस लीक हो रही है तो ये खुद ब खुद इंडिकेट इसके ऊपर कर देगा, एरर देना शुरू करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये गैस लीक हो रही है, तो वो भी इसके अंदर शो होगी। इसके बाद अगर लाइट चली जाती है और उसी ऑप्शंस के ऊपर जो आपने सेट की होंगी, ये सारे ऑप्शंस गेम रखेगा, जब लाइट आएगी तो खुद ही उसी ऑप्शन के ऊपर ऑन हो जाएगा। इसके अंदर सुपर क्वाइट की ऑप्शन है, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं तो ये ज्यादा नॉइज पैदा नहीं करती है, इसके जो फैंस हैं वो ज्यादा शोर नहीं करते, तो आप बहुत अच्छी नींद अपनी ले सकते हैं इसके अंदर सोते हुए, तो ये बहुत जबरदस्त फीचर है इसके अंदर जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके रिमोट की, के रिमोट में इसमें कौन कौन से फंक्शन इससे दिए हैं। इसके अंदर वैसे ही सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो एक आम या किसी भी इन्वर्टर AC के अंदर होते हैं, तो चलिए देखते हैं रिमोट के अंदर कौन कौन से फंक्शन। इसके ऊपर हमें देखने को मिल जाता है जी पावर का बटन, उसके बाद ऑप्शन का बटन है जी, ये इसके जो टेम्परेचर है अप डाउन करने के लिए, इसके अलावा ये जैन मोड है, ये टर्बो का बटन है, इसके अलावा मोड है, फैन का बटन है, और ये ग्रिल्स हैं जो सामने फ्लैप्स हैं उन्हें ऊपर नीचे करने के लिए और लेफ्ट राइट करने के लिए दिया। जैसा कि ये देखें आप, अगर मैं जैन का, ये आपके सामने आ रहा है L1 ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको A3 देगा,
उसके बाद ये मैंने दोबारा प्रेस किया, ये ऑफ हो गया। ठीक है जी, जैन मोड ऑफ हो गया। ये नॉर्मली अब आपका एसी चलेगा किसी भी एम्पेयर के ऊपर, यानी कि ये काम ज्यादा 10 एम्पेयर तक भी जा सकता है, 8 एम्पेयर भी, जितनी उसे जरूरत होगी कंप्रेसर को टेम्परेचर के हिसाब से ये उसी तरह चलेगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा आपको दबाता हूं तो ये L3 आ गया, इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा A6 के ऊपर, यानी कि 6 एम्पेयर लेगा। इसी तरह मैं दोबारा दबाता हूँ, ये L2 आ जाएगा, ये A4 यानी कि 4 एम्पेयर इसके ऊपर लेगा। इसके बाद ये L1 है, L1 के अंदर 3 एम्पेयर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्ट होगा, 3 एम्पेयर लेगा। इसके अलावा ये टर्बो मोड है, ये टर्बो पर आप देख सकते हैं कि ये एक बंदा सब बन गया। ठीक है जी, इसके अंदर एक और बहुत अच्छी खूबी है जी कि ये लो वोल्टेज के ऊपर भी ऑपरेट होता है, यानी कि अगर आपके 150 वोल्टेज भी आ रहे हैं घर के तो उसके साथ आपको स्टेबलाइजर या किसी और चीज की लगाने की जरूरत नहीं है, ये लो वोल्टेज के ऊपर भी अपना सही काम करेगा और सही चलेगा, यानी कि इसके जलने का कोई खतरा नहीं है। अब ये A3 के ऊपर चल रहा है और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कूलिंग है, ये ठंडी हवा फुल 15 से 20 फुट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये थ्रो देता है। इसके अंदर सबसे एक और फीचर बहुत अच्छा है, स्लीप मोड के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं, यानी कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे जितना भी टाइम लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। बाकी इसके अंदर इन्होंने जो गैस इस्तेमाल की है वो R410 है, यानी कि 410 है, वो हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है, वो इसके अंदर उन्होंने यूज की हुई है। ये माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अगर आप मजीद चाहते हैं किसका मैं रिव्यू आपको करके दिखाऊं तो मैं अभी तो नहीं बता सकता कि ये कैसा और कितना अच्छा चल रहा है, तो ये तो मुझे हफ्ता 2 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसके अंदर इसका प्रॉपर रिव्यू देंगे कि इसका क्या सीन है, कितने यूनिट से प्रॉपर ले रहा है, कूलिंग इसकी कैसी है और ये किस किस साइज के कमरे के अंदर बेहतरीन चलेगा। तो चले आज की वीडियो यही वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कुछ नया करते हुए। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।